Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Hey! Baap ra baap! Are kya baat hai sir? अरे सर यार आज तो सिकंदर आए हैं। सिकंदर? ओए सिकंदर नहीं सुखविंदर जी। अरे हाँ पता है यार, लेकिन म्यूजिक के दुनिया के सिकंदर तो यही है। अरे सर सिकंदर है, धुरंधर है, मस्त कलंदर है, जलंधर है, यार संगीत का भवंतर है। बड़ी एनर्जी है तेरे में आज बच्चा। अरे सर एनर्जी वाले आदमी आए हैं, क्या गाते हैं सर, आपकी क्या एनर्जी है। क्या बात सर, एक बात आपको बताएंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं हम ना, कभी कभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते हैं, आपका गाना चला देते हैं गाड़ी चल जाती है। लाए हुए ना गई, लोग कहते हैं गाड़ी कहाँ गई यार। सच मजाक नहीं कर रहे हैं सर, अभी दो दिन पहले अपनी गाड़ी में आपका वो वाला गाना चलाया हम, वो नशा ही नशा वाला। अच्छा। हमको ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ लिया। कहते हैं बहुत ज्यादा नशा है, बहुत ज्यादा। गाने से कैसे नशा हो सकता है तुझे? ए लो यार कप्पू शर्मा, तानसेन जी के गाने से अगर दिया जल सकता है, इनके गाने से नशा नहीं हो सकता। बनाओ बच्चा, तू कैसी अजीब जी बातें ना किया कर, सुखी जी क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे सर, पिछली बार जब आए थे सर आपने सुर तो छेड़ा ही छेड़ा था, आपने अर्चना जी को भी छेड़ दिया था, आपको अगर याद है तो। बात वो है ही ऐसी, उनके आप खूबसूरत है सर, लेकिन उनके पति अभी तक झगड़ा कर रहे हैं चैनल के साथ। अच्छा? कि छेड़ के गए थे इसलिए? नहीं नहीं, खाली छेड़ के क्यों गए, साथ लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि सर आप तो सुखी हैं लेकिन वो तो वहां दुखी हैं। अरे सर एक बार पूछना था सर, अपने चलते चलते में गाना किया, लाइव भी ना गई निभाई भी ना गई, ये गाना अगर चलते चलते की जगह आपने रुक के किया होता तो लाइव भी जाती निभाई भी जाती। जस्ट सजेशन सर, आपके हम तो बहुत बड़े फैन है सर, और सर हमसे बड़ी फैन हमारी भैंसिया सर। अरे बाप। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं सर, आपका झूम बराबर झूम गाना सुनती है, झूम झूम के दूध देती है। अरे हौले हौले गाना सुनती है, हौले हौले धीरे धीरे दूध देती है। कल आपका गाना सुना वो वाला उड़ी उड़ी जाए, तो उड़ उड़ के दूध दे रही थी। आ? कैसा आदमी है यार, उड़ उड़ के कोई भैंसिया दूध दे क्या? ए, सुना तुमने, यहाँ पर ये खड़े मनुष्य जो हैं कह रहे हैं कि तुम उड़ सकती हो, पॉसिबल है क्या? कुछ जवाब ये देखो, सुन लिया? ये तो तूने खुद आवाज निकाली है। नहीं बच्चा तू करने क्या आया यहाँ पे आज? एक सजेशन लेना था सर आपसे भी सर। व्हाट इज हैपनिंग आई टेल यू, हमने अपने जीवन में ना बहुत एक भैंसिया के अंदर इन्वेस्ट किया लेकिन इतना आउटपुट निकल नहीं रहा है, सोच रहे हैं घोड़ा पाल लेते हैं। तो पाल ले, उनसे क्यों पूछ रहा है फिर? ना लेकिन घोड़ा दूध नहीं देता ना यार। तो फिर घोड़े पालने क्यों है? डिलीवरी के लिए। क्या है, भैंसिया डिलीवरी करने जाती है तो बहुत धीरे धीरे जाती है, घोड़ा जाएगा तो तुड़ 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 गया, दूध दे दिया, वापस आया तुड़ 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 दूध उठाया, तुड़ 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 दूध दिया। ये क्या टुकड़ 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 लगा रखा है? अच्छा वाह, दलेर मेहंदी जब तुड़क 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 करते तब चलता है, हमारा घोड़ा जरा तुड़ 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 कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रहा है यार। वाह रे मनुष्य, वाह तेरी मनुष्यता। तू एक काम कर, घोड़ा भी ले ले, भैंस भी ले ले, भैंस दूध देगी, घोड़ा डिलीवरी कर देगा। अरे नहीं यार, भैंसिया के दूध को घोड़ा डिलीवर करेगा, भैंसिया के दिल को चोट नहीं पहुंचेगी। तो घोड़ा ले ले, भैंस भूल जा। भूल जाए? हाँ। वाह कपूर शर्मा, देख लिया हमने आपका यार, कल यहाँ पर भी नया घोड़ा आएगा, आप इस भैंसे को भूल जाएंगे। वाह यार, मनुष्य से तो हमारे ना ये विश्वास ही उठ गया है। अरे भैंसिया को कैसे भूल जाए यार, भैंसिया हमको दूध देती है, भैंसिया दही देती है, भैंसिया पनीर देती। एक मिनट सर, आई एम सॉरी सर, पनीर से याद आया, पनीर मटर हमने अंदर बना के रखा है, सोचते ही भूख उत्पन्न सी हो गई है अंदर से, तो अपनी भूख की भूखियाता को थोड़ा सा मिटा के आते हैं सर, बहुत भूख लगी। आप बैठिए सर, हम आते हैं थोड़ी देर में। हैव अ सीट, हैव अ सीट, आई विल सी यू सर, थैंक यू, जरा खा के आएंगे। ऑल राइट। अरे आ जाओ आ जाओ, बैठो भाई। फैंटास्टिक। सुखी जी, माय सेल्फ भूरी, कैसी लगी आपको मेरी परफॉर्मेंस? ये लो, बहुत अच्छी थी। कैसी लगी पाजी? ये थोड़ा चलेगा अभी, 5-10 मिनट मिला, उसके बाद ये चली जाए, कोई बात नहीं, हमने घबराना नहीं। घबराने, मैं तो इन्हीं के लिए आई हूँ कपू। हाँ, पर ये तुम्हारे लिए नहीं ना है। कपू यहाँ तो कोई भी किसी के लिए नहीं आता, तुम्हें पता नहीं सुखी जी, दुनिया में हर कोई अकेला ही आता है और फिर यहाँ से अकेला ही चला जाता है। खबरदार, ट्रक के पीछे लिखी हुई लाइनें बोली तो। कभी अपना लेके आया कर कुछ? कपू इस बार मैं अपना ही लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले सुखी जी बैठिए ना। हाँ कोई नहीं। नहीं नहीं बैठो भाई आप। नहीं नहीं, मैं मन ही नहीं कर रहा। मन ही नहीं कर रहा आपका? ठीक है, पूरा
मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूं। इतनी बड़ी... एक मिनट। हाँ जी। ओहो ये क्या था? कुछ क्या हुआ? वाह सुखी जी। हाँ जी, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मतलब आपकी आवाज में जो सुकून है ना, रूह तक उतर जाती है। सुकून तो मुझे तेरा पता नहीं, पर मुझे लगता तेरी रात की उतरी नहीं अभी तक। तू क्या करने आई यहाँ पे? सुखी पाजी को डिस्टर्ब करने आ गई है? डिस्टर्ब? मैं तो इन्हीं से मिलने आई हूँ। सर वो क्या है ना, मैंने ना एक्चुअली अपने नाम से ना एक म्यूजिक कंपनी खोली है, बी सीरीज। बी फॉर भूरी, तो बी सीरीज। तेरे नाम से तो बैंक में अकाउंट नहीं खुलता, तेरी सीरीज कल से खुल गई। उस दिन बैंक में अकाउंट खुलवाने गई पाजी, मैनेजर इतना बिजी था, उसने सारे जरूरी काम छोड़ के पहले इसके फॉर्म फाड़े। अरे लेकिन फाड़ना तो पड़ेगा ही ना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल जो हो गया है, इट्स डिजिटल इंडिया यू नो कपू। अच्छा ठीक है। सुखी जी मैंने ना बहुत ही शिद्दत से काम शुरू किया, तो बस आपका साथ चाहिए इसमें बस। पाजी इधर आ जाओ आप। अच्छा जी। ऐसी बातें कर करके ना, पिछली बार भप्पी लहरी आए थे, उनकी चेन उतार ली थी इन्होंने। पहली बार भप्पी दा यहाँ से बेचैन होके गए हैं, इसकी वजह से। इसकी बातें नहीं सुनी आपने? चैन पाजी की, बेचैन। यू आर लुकिंग ऑसम, यू आर लुकिंग बहुत बढ़िया। बस सुखी जी मैं यही चाहती हूँ, आप एक सिंगल बनाओ ताकि उसमें मैं ना एज अ मॉडल परफॉर्म करूं। एक तो मैं उधर सिंगल को मन दिया, तो एक और सिंगल बनाओ। क्या करूं उसमें परफॉर्म करूं? पाजी 9 साल पहले इसने मुझसे बात बोली थी, कहती हम साथ में शो बनाते हैं, मैं परफॉर्म करूंगी। 9 साल से हम इसकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। तो अच्छा ना जी, इस बात पे गौर किया जाए, मैंने परफॉर्म नहीं किया और कप्पू यहाँ तक पहुँच गया। मैं परफॉर्म करती थी तो कहाँ होता। वैसे सर मैं ना ये मॉडलिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ, वो क्या है ना म्यूजिक मुझे विरासत में मिला है तो। बड़ा विरासत, आपको पता नहीं पाजी इनकी फैमिली का। हाँ। इसके बाप और दादा ना जया और सुषमा बनके लोगों के लेडी संगीत में नाचते थे। तो विरासत में मिला है इनको म्यूजिक। ये क्या कुछ भी बातें करो, ऐसी कोई बात नहीं, वो दादाजी तो तानसेन के बगल में बैठते थे, उनका बहुत करीबी रिश्ता था। करीबी की वजह से नहीं बैठते थे, गरीबी की वजह से बैठते थे। वो तानसेन जी जब गाते थे ना तो दिए जल जाते थे। हाँ। तो इनके दादा जी दियों में से तेल निकाल लेते थे। एक बार पकड़ गया दादा जी ने इसके, तानसेन ने दादा का तेल निकाला पूरा। तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारे दादा जी जो वो तेल छीन के लेके जाते थे उसका क्या। मैंने कब कहा मेरे दादा जी को बहुत अच्छे थे, वो भी ऐसे थे। नहीं लेकिन सर मैंने ना हमारे गाने की म्यूजिक के लिए ना मैंने तो रहमान सर से बात भी कर ली है, और रहमान साहब ने पुलिस से बात कर ली है, कहते अगर ये दोबारा मेरे घर के सामने दिखी मैंने ऑस्कर वापस कर देना। क्या पॉम्फ्रेट मछली जैसा मुंह बनाती है। कप्पू तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन बहुत जल्द इस भूरी का डेब्यू होने वाला है फिल्मों में, तभी आजकल मैं स्क्रिप्टों पे बैठी हूँ। हाँ कल तो उसने डायरेक्टर से डांट खाई, हमारे डायरेक्टर से ही। हाँ कहते खड़ी हो स्क्रिप्ट पे बैठी हुई है, इतनी बड़ी हो गई कुर्सी पे बैठ जाके तू तो स्क्रिप्ट पे बैठ जाती है। वर्कलोड इतना है कि नहीं पता चलता कप्पू, कभी कभी तुम्हें कैसे। मुझे ना इतने ऑफर्स आ रहे हैं सुखी जी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं ना लेकिन थोड़ी सी चूजी हूँ तो अब क्या करें। चूजी तो है ये, तेरे चूजे कहाँ हैं बाकी के? वो कहाँ है जो तेरे साथ? चूजे नहीं, फैंस बोलते हैं कपू, फैंस। चलो। और सर ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा, वो क्या है ना बाहर ना एक बार बस सुखी जी और मेरा वीडियो आ जाए, फिर देखना कितने रिकॉर्ड टूटते हैं। ठीक है मेनू है हम लोग कोलैबोरेट करेंगे ना सुखी जी, है ना, हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। पार्टी चेंज। पार्टी के पहले वो बाहर ना पीआर टीम वेट करी, तो मैं उन्हें ये कोलैबोरेशन का ये गुड न्यूज़ देके आ जाती हूँ। मैं पीआर टीम, मम्मी डैडी को पीआर टीम बोलती रहती। चल हट। नहीं नहीं मैं जल्दी से आती हूँ गुड न्यूज़ देके, आप प्लीज जाना मत, अब यही रहना, मैं आऊंगी वापस। बहुत अच्छा सुखी पाजी, वेरी नाइस। मैंने जो गाना किया अभी बंथन, हाँ जी, वो गाने से कुछ याद आया आपको? इस गाने में आपकी मैडम ने मेरी जान बचाई थी। कैसे? सरोज खान जी, मेरे को इन्होंने गाना रिकॉर्ड होने के बाद सेट पे बुलाया, महेश मांजरेकर जी ने कहा कि मिस्टर संजय दत्त मिलना चाहते हैं, एक झटके पोच तेरे लिए एक लाल जैकेट गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं चला गया भाई, चल के लाल पहना है जैकेट। इतने में मास्टर जी की एंट्री, सरोज खान जी की। सरोज मास्टर, अब आया मेरे जबड़े के तले, अब तेरे को ऐसा चबाऊंगी बेटा। तुझे नाचना नहीं आता ना? मैं कहा नहीं, आज तेरे को नचाऊंगा उल्टा करके, टांग के नचाऊंगा। किसी बात की रंजिश थी उनको।
इतने में मेरे को एक छोटी सी खबर मिली कि यहाँ पे इनकी जो मैडम है वो यहाँ पे मेन इस गाने में जो लीड कर रही हैं। कश्मीरा जी, शानी कश्मीरा। नहीं नहीं, शानी नहीं, उन्होंने वो तो देवी बन के प्रकट हुई उस दिन। अच्छा। और मैं मास्टर जी के कदमों में गिर गया और मेरे सामने कश्मीरा जी बैठी है। मैं कह ये सारा जो नूर है जो वो जो तांडव मेरे से करवाना चाहते हैं उसके ये एक्सपर्ट हैं, और इतने में डिसाइड हुआ कि तुम सिर्फ खड़े रहोगे, बाकी सब पूरे डांस स्टेप जो है कश्मीरा जी करेंगे। सही बात। और मैं बाल बाल बचा। कश्मीरा जी आपका तहे दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बोलने नहीं देगी। मैं बोलूंगा। अभी आप मेरा दुखड़ा सुनो। मैं आपने गाना देखा ना सर? हाँ। ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा किया ना मैंने। ए औरत बन के भी तेरे से ज्यादा अच्छा कर रही है देख ले। आते ही अपनी बातें शुरू कर दी तूने। इन उनकी भी बात करेगी ना। हाँ। तेरे को पता है सुखी पाजी अपने घर पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनका घर है, जो मर्जी करे, तेरे को क्या लेना देना रे। इसको बहुत शौक रहता है जानने का। हाँ। कौन क्या किधर क्या कर रहे ले। तो आज इतना बंठन के क्यों आई है तू? मैं एक्चुअली पहली बार इसने मेरी तारीफ की है। मैं सब्जी मार्केट जा रही थी सब्जी खरीदने के लिए। इतना तैयार होके? नहीं, पहले मेरे को एटीएम में जाने का है ना। तो एटीएम जाने के लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है। पहले मैं बैंक जाएगी कार्ड बनवाने के लिए, इसीलिए तैयार हो लिए। तो ये सारी बात एक साथ नहीं बोल सकती थी? अरे तो तेरे को कहां समझाने का टाइम किधर है? 11 बजे तो तू शो खत्म कर देता है और फिर शुरू से शुरू करता है वापस से। किधर समझे इसको? मेरी नहीं, एक्चुअली सुखी भाजी पता है क्या चक्कर क्या है? मैं ना प्याज में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रही हूँ उधर मार्केट में। प्याज में कौन इन्वेस्ट करता है? अरे प्याज बहुत महंगा हो गया है कप्पू। मैं क्या करेगी, 400 रुपया किलो अभी खरीदेगी, फिर अगले हफ्ते 600 रुपया किलो बेचेगी। फिर क्या, तेरे से 200 रुपये ज्यादा अमीर हो जाएगी मैं, देखना। अच्छा सर पता क्या है, प्रॉपर्टी में मत इन्वेस्ट करो, सब्जियों में इन्वेस्ट करो। एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने मेरे को बताया कि टिंडे में इन्वेस्ट करने का। हाँ, टिंडे का भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और एम्पायर का कैप रहता है ना, उसमें भी इन्वेस्ट करने का, उसका भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ये भी अर्थशास्त्री ने बताया? नहीं, रवि शास्त्री ने बताया था मेरे को। अरे आपको पता है सुखी सर, ये तो कुछ नहीं है, वो क्रिकेटर है ना विराट कोहली, उसने तो मेरे को अंदर की बात बताई कि वो पापा बनने वाले हैं। ये तो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। तो बात तो अंदर की है ना। बड़ा अच्छा लग रहा है ना कप्पू। हाँ। मेरा भाई आई लव हिम। मैं ना मार्केट जा रही है कप्पू। हाँ। तेरे को कुछ चाहिए, तेरे लिए कुछ लेकर आऊं क्या? आलू ले आ मेरे लिए। सिर्फ आलू खाएगा? भिंडी ले आना थोड़ी सी। तो फिर आलू का क्या करेंगे? आलू के पराठे खाएंगे। तो भिंडी का क्या करेंगे? भिंडी बाद में खा लेंगे ना। अरे आलू के पराठे के साथ भिंडी कौन खाता है? दही खाते हैं ना लोग। दही ले आना फिर। अरे मैं सब्जी खरीदने जा रही, दही थोड़ी खरीदने जा रही, इसका क्या है रे? तू भी ना कप्पू, अरे एक चीज पे फोकस रखो ना। हाँ। ये नहीं कि जज की कुर्सी पे बिठा दिया तो इंस्टाग्राम का भी वीडियो बनाने का, ये क्या है? ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। सुखी पाजी मैं आती है ना, मैं आपके लिए सब्जी खरीद के लाती है मार्केट से, अभी जाके आशीर्वाद दो के सस्ती मिल जाए मेरे को, है ना? मैं आती हूँ सर। ओके कप्पू मैं आ रही हूँ। मेरा किधर गया? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.